अनिरुद्ध के लिए उसका परिवार ही सब कुछ है। अनिरुद्ध अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए वह दिन रात मेहनत करता है और दिन रात मन लगाकर पढ़ाई करता है। साथ ही साथ कुछ काम भी करता है जिससे कुछ पैसे कमा सके। अनिरुद्ध दिन रात इसलिए मेहनत करता है ताकि वो पढ़ लिख कर कुछ कर सके, बड़ा आदमी बन सके और अपने परिवार का नाम रोशन कर सके। अनिरुद्ध की यही ख्वाहिश थी कि अपने माँ बाप को वो खुशी दे सके जिसके वह हकदार हैं। अनिरुद्ध इंजीनियरिंग करता है, साथ ही साथ वह पार्ट टाइम जॉब भी करता है। अनिरुद्ध चाहता है कि वो बहुत बड़ा आदमी बने, उसे अपने करियर में सफलता मिले ताकि आगे चलकर उससे उसके परिवार को किसी भी तरह की मुसीबत का सामना ना करना पड़े। अनिरुद्ध रोज की तरह अपने ऑफिस जाता है। वहाँ आज उसके ऑफिस में एक प्रिया नाम की लड़की ने न्यू ज्वाइनिंग की होती है। प्रिया को देखते ही अनिरुद्ध को उससे प्यार हो जाता है, पहली नजर वाला प्यार। प्रिया भी अनिरुद्ध की तरह ही सीधी सादी लड़की होती है जिसके लिए उसका परिवार और उसका फ्यूचर ही सब कुछ है। वो अपने माँ बाप का हाथ बटाने के लिए पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करती है। प्रिया लेकिन अनिरुद्ध से थोड़ी सी अलग है। अनिरुद्ध अपने माँ बाप के कहने पर चलता है, जैसा वह कहते हैं वो वैसे ही करता है। लेकिन प्रिया अपने सपनों को जीना चाहती है, वो अपने सपने पूरे करना चाहती है। उसका जो दिल चाहता है वो वही करती है। उसने कभी दुनिया की फिक्र नहीं की, लेकिन उसके परिवार की पुरानी सोच उसके सपनों के आड़े आ गई थी, इसलिए प्रिया अपने सपने अब तक जी नहीं पा रही थी। पर उसके मन में अभी आशा जगी हुई थी। उसका भगवान में भी काफी विश्वास था। उसे यकीन था कि एक न एक दिन उसके सपने जरूर पूरे होंगे। जब अनिरुद्ध और प्रिया की पहली मुलाकात हुई, अनिरुद्ध उसे अपना दिल दे बैठा। उस दिन से दोनों में दोस्ती हो गई। प्रिया को अनिरुद्ध का स्वभाव अच्छा लगने लगा। अनिरुद्ध हर वक्त उससे बात करता, उसकी छोटी छोटी चीजों में मदद करता और हर वक्त उसका ख्याल रखना, हमेशा उससे पूछना कि तुमने खाना खाया कि नहीं, उसकी आदत सी बन गई थी। धीरे धीरे प्रिया भी अनिरुद्ध को पसंद करने लगी थी। फिर एक दिन अनिरुद्ध ने प्रिया से अपने प्यार का इजहार कर ही दिया और प्रिया ने भी हाँ कह दी, क्योंकि प्रिया को भी उससे प्यार था। वो हमेशा अकेली थी, उसे किसी से कभी इतना प्यार नहीं मिला था और ना ही किसी ने कभी उसकी परवाह की थी। अनिरुद्ध का ऐसा प्यार भरा स्वभाव और परवाह करने वाला देखकर प्रिया ने भी उसके प्यार को कबूल कर लिया और अपने प्यार का भी इजहार किया। इसी तरह दोनों एक साथ घूमते मिलते, एक दूसरे से बातें करते और अपने प्यार की खुशियों के पल समेटते रहे। प्यार में मीठी तकरार तो होती है, लेकिन इनके बीच की तकरार हुई तो थी, पर इन्होंने एक दूसरे को समझा, एक दूसरे को संभाला और हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। अनिरुद्ध और प्रिया दोनों एक साथ कॉलेज जाते हैं, एक साथ काम पर जाते और जहाँ जाते हैं हमेशा एक दूसरे के साथ रहते। इसी तरह खट्टी मीठी यादों के साथ दोनों ने एक साथ 4 साल गुजारे। साथ ही साथ अनिरुद्ध इंजीनियर बन गया जिसकी काफी अच्छी नौकरी है और प्रिया भी एक लेखक बन गई थी। साथ ही साथ वह अच्छा गाना भी गाती है। अनिरुद्ध ने उसका सपना भी पूरा करने में काफी मदद की, गाना गाने के लिए और उसकी आवाज को लोगों तक पहुंचाने की। इतना समय साथ गुजारने के बाद दोनों के बीच में प्यार बहुत गहरा हो गया था। दोनों एक दूसरे के बिना अब जी नहीं सकते थे। दोनों एक दूसरे के दिल की धड़कन बन चुके थे। दोनों ने सोचा कि वह अब अपने अपने परिवार वालों को उनके रिश्ते के बारे में बताएंगे। जब दोनों ने यह बात अपने घर में बताई, तब दोनों के ही परिवार वालों ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया, क्योंकि दोनों एक ही कास्ट के नहीं थे, दोनों अलग अलग कास्ट के थे। इसलिए उनके परिवार वालों को यह मंजूर नहीं था कि उनके बच्चे उनके खिलाफ जाकर और बिरादरी के खिलाफ जाकर किसी और से शादी करें। उन दोनों के परिवार वालों ने उनका मिलना, फोन पे बात करना सब बंद करा दिया। दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे थे। दोनों एक दूसरे की याद में तड़प रहे थे। दोनों एक दूसरे को मिलने के लिए परेशान थे। अनिरुद्ध अपने परिवार की इतनी इज्जत करता था कि उनके लिए कुछ भी कर सकता था, उन्हें कभी दुखी नहीं देख सकता था। अपने परिवार की खातिर उसने प्रिया को भूलने का फैसला कर लिया। प्रिया को अपने प्यार और भगवान पर पूरा भरोसा था। उससे यकीन था कि वह एक न एक दिन जरूर अनिरुद्ध के साथ होगी, इसलिए उसने कभी हिम्मत नहीं हारी।
उसने बहुत कुछ किया अनिरुद्ध को पाने के लिए। रोज सुबह शाम वो भगवान से प्रार्थना करती, रोज अपने माँ बाप से कहती कि उसने कभी भी उनकी कोई बात नहीं टाली, किसी चीज के लिए उसने ना नहीं कहा। बस अपनी जिंदगी का फैसला वो खुद करना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी खुशी अनिरुद्ध के साथ है और किसी के साथ नहीं है। प्रिया अकेले ही अपने प्यार के लिए लड़ी और उम्मीद कायम रखी, भगवान पर भरोसा रखा और एक दिन उसके परिवार वाले मान गए। काफी कुछ प्रिया ने सहा, काफी गिले शिकवे हुए, नाराजगी हुई, लेकिन आखिर में सच्चे प्यार की जीत हुई। किसी तरह अनिरुद्ध को भी प्रिया ने मना लिया। उन दोनों के प्यार के वास्ते और उनके साथ को देखकर इस रिश्ते के लिए उनके परिवार वाले राजी हो गए। दोनों अलग कास्ट के होने के वजह से दोनों के परिवारों को समाज का डर था कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन अनिरुद्ध और प्रिया को किसी चीज की परवाह नहीं थी। दोनों ये बात अब समझ चुके थे कि उनके प्यार के सामने कोई चीज बड़ी नहीं है। वो अपने प्यार के सहारे कोई भी लड़ाई लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। आज के जमाने में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अब भी जात पात ऊंच नीच को मानते हैं। प्यार की कोई जात नहीं होती है, प्यार का कोई धर्म नहीं होता है, प्यार तो अमर है जिसके सहारे जिंदगी खुशी से जी सकते हैं।